नमस्कार पृथ्वीवासियों, यमराज के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने एक यंग कपल को रिलेटिव इम्पोर्टेंसी के बेसिस पे उनका मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया। इसका मतलब है कि वो पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में नाकामयाब रहा। तो इम्पोर्टेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ होना, और इसे पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है। जनरली लोग इसे इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंसी मींस नॉट एबल टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड स्टरिलिटी और इनफर्टिलिटी मींस नॉट एबल टू बिगेट चिल्ड्रन, यानी कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक पर्सन अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाए। तो उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, साइकोजेनिक कॉजेज होते हैं, ऑर्गेनिक कॉजेज होते हैं, पार्टनर रिलेटेड कॉजेज होते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस ऐसा हो सकता है। तो जब कोई कॉज पार्टनर रिलेटेड होता है तो उसको इम्पोर्टेंस कॉड हॉक बोला जाता है। इसका मतलब उसका उस स्पेसिफिक पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है, बट वो किसी और दूसरे पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। इन जनरल ही इज इम्पोर्टेंट, बट वो एक स्पेसिफिक पार्टनर के साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसे रिलेटिव इम्पोर्टेंसी कहा जाता है। और उसी के बेसिस से इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक यंग कपल की मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बताना कमेंट में कैसा लगा। थैंक यू।